आर्या के साथ, हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई है। और अधिकतर आप महतो गांव जाइए या कुर्मियों के गांव जाइए, आप देखेंगे उनका पूजा स्थान में कहीं शिव पूजा स्थान है तो कहीं उनका कीर्तन मेला है, और इस प्रकार का पूरी तरह से ब्राह्मण व्यवस्था से संचालित होते हैं कुर्मी। ये कुर्मियों का जो एक विचारधारा होता है वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कहीं कि उन्होंने कहीं चापलूसी कर रहा हो या कुछ षड्यंत्र रच रहा हो, इस प्रकार का उनमें होता है, जो कि आदिवासी में इस प्रकार का बिल्कुल नहीं देखा जाता है। और आदिवासी बहुत शांत स्वभाव के आदमी होते हैं। समाज सेवी बाबूराम सोरेन भी हैं, जो आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी के हैं, उसके पदाधिकारी भी हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के प्रवक्ताओं ने जो कहा कि आदिवासियों का जो कल्चर है वह महतो कुर्मियों से मिलता नहीं है, बिल्कुल भी मिलता नहीं है, वह भिन्न है। तो हम इनसे यही जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपका स्वागत है आदिम ज्योति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोहार। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुर्मी महतो के विषय पर आज आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ, तो आप ये बताएँ कि भिन्न क्या है कुर्मी से, आपका आप संथाल जनजाति से हैं, आपका और कुर्मी का में अंतर क्या है, अलग क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब हम आदिवासी और कुर्मी को हम कंपेयर करें या उसको क्या भिन्न है इस पर अगर हम बात करें, तो पहली बात ये आती है कि कुर्मी जो है ये आदिवासी की भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी लिपि, उनकी पहचान आदिवासी से काफ़ी भिन्न है, उनकी परंपरा आदिवासी से काफ़ी भिन्न है, उनकी खान पान रहन सहन, उनकी वेशभूषा, एवं हम कहें तो उन कुर्मियों का जो एक विचारधारा होता है वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कहीं कि उन्होंने कहीं चापलूसी कर रहा हो या कुछ षड्यंत्र रच रहा हो, इस प्रकार का उनमें होता है, जो कि आदिवासी में इस प्रकार का बिल्कुल नहीं देखा जाता है। और आदिवासी बहुत शांत स्वभाव के आदमी होते हैं, ये मैं ही नहीं पूरे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। और जहाँ तक बात कुर्मियों की है कि अभी तक कुर्मी की भाषा, कुर्माली भाषा उनको आती ही नहीं है, उनकी लिपि है ही नहीं है, उनकी धर्म पहचान अभी तक कुछ है ही नहीं। जहाँ तक हम देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह से आर्य के साथ, हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई है। और अधिकतर आप महतो गांव जाइए या कुर्मियों के गांव जाइए, आप देखेंगे उनका पूजा स्थान में कहीं शिव पूजा स्थान है तो कहीं उनका कीर्तन मेला है, और इस प्रकार का पूरी तरह से ब्राह्मण व्यवस्था से संचालित होते हैं कुर्मी। ये हम लोग जानते हैं और सभी जानते हैं। और उनका जो DNA है बिल्कुल आदिवासी से डिफरेंट है, आदिवासी से अलग है। और ऐसा माना जाता है कि जब यूरेशिया से ब्राह्मण 3.5% ब्राह्मण जब इंडिया आए, उसके बाद ही ब्राह्मण के काम के लिए, उनका चापलूसी के लिए ही कुर्मी लोग आए हुए हैं। ये कई बड़े बड़े रिसर्चों से पता चला है। और अभी तक ये कुर्मी जो आदिवासी बनने पर भी लगे हुए हैं, इसमें वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने भी ये बात साफ जाहिर कर दिया है कि ये अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसके लिए जनहित याचिका को वो खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी किया है, और TRI रांची ने भी 3-4 बार ये पूरी तरह से उनका रिपोर्ट के मुताबिक कुर्मी आदिवासी नहीं बन सकता है, इस संबंध में उनका जो आवेदन लंबित रहा वो 4-4 बार रिजेक्ट कर चुका है। तो इन वजहों से भी आप लोग, और आप लोगों का प्रॉपर रीजन क्या है? ये तो रिजेक्ट हो चुका है ये सरकार का मामला, फिर ये लोग मांग कर रहा है कि हम लोगों को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हम लोगों को हटाया, इनका कहना है षड्यंत्र के तहत। तो आदिवासी क्यों विरोध कर रहा है, उनमें क्या खतरा है जिसके कारण से आदिवासी विरोध कर रहा है? बिल्कुल, जहाँ तक आदिवासी और कुर्मी की बात है, कुर्मी अगर आदिवासी बनते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जब एक थाली खाना रहता है, उसमें अगर एक थाली खाना 4 आदमी के लिए है, अगर वहाँ 50 आदमी आ जाए तो शायद ये एक थाली खाना जो है या 4 भाग का जो खाना है ये संपूर्ण नहीं खा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जब कुर्मी
आदिवासी बन जाएंगे तो आदिवासी का जो रिजर्वेशन है, जितना भी नौकरी चाकरी होती है, तो इसमें सभी जगह में कुड़मी घुस जाएंगे और आदिवासी को एक ऐसा जगह पर पहुंचा देंगे, उनका जो भाषा, उनका जो संस्कृति, उनका जो पहचान, उनका जो अस्तित्व, सारा मिटाने का काम करेंगे। और ये अभी तक जब अपना परंपरा को बचा नहीं पाया, तो वो आदमी जब आदिवासी बनेगा तो आदिवासी को पूरी तरह से एक तरफ कहा जाए तो वो खा के ख़त्म कर देंगे। और यही सबसे बड़ी रीजन है कि आदिवासियों की ज़मीन को लूटने के लिए, आदिवासियों की आरक्षण को लूटने के लिए कुड़मी आदिवासी बनना चाहते हैं, ये फैक्ट बात है। और इसके साथ हमसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुड़मियों का, आपने कहा कि ज़मीन लूटने की, लेकिन कुड़मी नेताओं का ये भी कहना है कि ये हमसे, सिर्फ हमसे लड़ रहे हैं आदिवासी, लेकिन ज़मीन के लिए बाहरियों से, जैसे यूपी बिहार से लोग आकर उनके ज़मीनों पर कब्जा करें, उधर नहीं लड़ रहे हैं, इस पर कुछ? जहाँ तक बात है कि ये भारत, भारत का संविधान से चलता है और आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए फिफ्थ शेड्यूल ये संविधान में जगह दिया गया है। और फिफ्थ शेड्यूल में आप बाहरी का बात जहाँ तक किए, बाहरी अगर ज़मीन लूट रहे हैं तो हमें लगता है कि वो लूटे अभी तक नहीं है, भले ये गलत तरीके से या असंवैधानिक रूप से कुछ समय के लिए हस्तक्षेप किए हैं, लेकिन कुड़मी जो प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास में ये ज़मीन लूटना ही नहीं बल्कि ये ज़मीन को पूरी अपनी ओर ले जाना है, जो कि ये अन्य बाहरी अभी तक जो है संवैधानिक तरीके से अगर देखा जाए तो इसके लिए डीसी जिम्मेवार होते हैं, इसके लिए कलेक्टर जिम्मेवार हैं, क्योंकि जब यहाँ सीएनटी ज़मीन है, जब यहाँ हम कुल्हान की बात करें तो विल्किंसन रूल यहाँ लागू है, तो जब इसी शक्तियाँ, ऐसे कानून जब यहाँ लागू है, तो ऐसे कानून लागू होने के बाद भी अगर गलत तरीके से हस्तांतरण हो रहा है या लीज आवंटित किया जा रहा है, तो आप इस पर पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। हाँ, इसमें आदिवासियों को घसीटा जा रहा है या आदिवासी को बदनाम किया जा रहा है, ये एक साजिश भी हम कह सकते हैं। और एक बात, आपने पांचवी अनुसूची का जिक्र किया, तो यहाँ कुड़मी नेताओं का हमने बयान देखा, उनका कहना है कि अगर कुड़मी भी अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाता है तो यहाँ आबादी बढ़ जाएगा कुड़मियों का, मतलब आदिवासियों का झारखंड में। तो पांचवी अनुसूची राज्य को, क्षेत्र को, हम लोग छठवीं अनुसूची का मांग कर सकते हैं, ये फ़ायदा उन्होंने गिनाया है, तो क्या आपको ये फ़ायदा लग रहा है? ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। और जहाँ तक बात उनका आदिवासियों का है कि आदिवासी यहाँ संख्या बढ़ेगी, ये बात मैं कतई विश्वास नहीं करता हूँ। और जहाँ तक बात उन लोग कुड़मी कर रहे हैं कि नहीं फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल करना चाहते हैं, जब संविधान ने बी.आर. अंबेडकर को रहते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हुए और संविधान सभा में अनेक लोग रहते हुए जब फिफ्थ शेड्यूल ये अनुसूचित जनजातियों को दिया है, तो आपको कौन राइट्स दिया कि आप संविधान का ढांचा को ही आप बदल देंगे? ऐसा कतई नहीं होता है। हाँ, ये जहाँ तक राजनीति में कुछ भी अनाप शनाप लोग बक देते हैं, लेकिन संवैधानिक में अगर देखा जाए तो एक एक वर्ड, एक एक लेटर को देखा जाता है, उसके बाद ही उनका प्रोविज़न के मुताबिक आगे की कार्रवाई सरकार करती है या आगे की कार्रवाई प्रशासन करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज आप लोगों ने आदिम डेवलपमेंट सोसाइटी के पदाधिकारी बाबूराम को सुने। ऐसे ही चैनल देखते रहिए आगे भी और खबरों के लिए। तब तक के लिए जोहार।